आज हम आ पहुंचे हैं ठटेरों के रास्ते। ये जगह पूरी दुनिया में अपनी अनोखी कला के लिए जानी जाती है, पीतल के बर्तन और उनको बनाने वाले कारीगरों के नाम से। कुछ दूर चले ही थे कि पीतल को पीटने की आवाज़ ने हमें अपनी ओर खींचा और चल पड़े हम देखने कि कैसे एक कलाकार अपनी कला को जन्म देता है। इन कलाकारों को उनकी कला के साथ छोड़ हम आगे बढ़े और बात की वहाँ के दुकानदारों से, जाना उनका इस कला को देखने का नजरिया। ये आप पहले छोटे सैंपल्स बना के रखते हैं? नहीं, सैंपल ही ये तो मंदिर में ऑर्डर आता है हमारे पास, तो डायरेक्ट उनको पता है बनता है तो बनता है। ये बड़ा छोटा पीस है, जैसे छोटे 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 पीस ले जाते हैं। ये बड़ा है जो सेंटर में लगता है सबसे ऊंचा, यही रूप बन रहा है, ये ऐसा बनेगा ये। अच्छा, ये एसी का पार्ट है? ये एसी का पार्ट है, ऐसा बनेगा ये। ये वाला मेरा, इसके नीचे वाला सारे हैवी मिलेंगे सब। मतलब कितना टाइम लग जाता है अंदाजे? इसको 12 दिन लगेंगे। 12 दिन लगेंगे? और मंदिर वाले आपको सही पे करते हैं? तो मंदिर का कोई टेंशन नहीं है, बहुत पैसा। वो अंकल जी बोल रहे थे कि मस्जिद का भी काम करते हैं। मस्जिद, दरगाह, मंदिर, इन सब में भी लगते सब लगता है, सब में लगते हैं। कला से संस्कृति और समाज का निर्माण होता है। समाज में कला को आदर मिलना गर्व की बात है, पर इस कहानी का एक अलग पहलू भी है। आप बेसिकली जयपुर से ही हो? हाँ, बिल्कुल जयपुर से ही है। और ये आप काम कब से कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? जब से 10 साल बना है। मतलब बचपन से? हाँ, तो मैं 20-25 साल तो हो ही गया। आपकी फैमिली भी इसी में, किसी काम में सब है? कैसे काम? नहीं, हमारे फैमिली के अंदर जो मैं, हमारे पापा जी रहते हैं, बाकी और भाई वगैरह नौकरी करते हैं, पहले जैसे काम में है नहीं। नहीं, बच्चों को तो हम लेंगे नहीं इस काम के अंदर। क्यों? काम नहीं, पहले जैसा काम मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आदमी निकलता था कान के अंदर उंगली डाल के निकलता था, कान में उंगली डालने के बाद मतलब निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आजकल तो क्या है कि हम आप जैसे आप बैठे हो ना, इतनी देर पहले इतनी देर आगे बैठ नहीं सकता था। काम होता था, हर घरों में काम होता था। नहीं नहीं ना, मशीनों ने मार दिया ना। आजकल डाई के बर्तन आ रहे हैं, स्टील के देखो, एक सी देखो डाई की आ रही है, स्टील की आ रही है। नहीं, पहले हर आइटम पीतल का लिया करते थे लोग। सब लोग कहते हैं कि हम पेमेंट ही नहीं आ रहा है, पेमेंट ही नहीं आ रहा। अब एक बार जब आगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ से काम करेगा? तो ये चीज़ है कि घर में तो पैदा हो नहीं रही है, आगे आप पैसे दोगे तब जाके माल मिलेगा। कार्ड बन के आए थे, ये कार्ड मेरे को मतलब के नहीं है। अब इसके अंदर ना तो ओबीसी लिखा हुआ ना मजदूर लिखा हुआ, तो हम मेरे को क्या सुविधा किस चीज़ मिलेगी बताएंगे? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे? ओबीसी में आते थे ठीक। और इन्होंने जर्नल लिख करके सारे कार्ड को ख़राब कर दिया, कुछ भी सुविधा हमारे नहीं मिली सर। ये यहाँ पे ठटेरों के रास्ते में आपकी दुकान है, तब पर आपके पास ज़्यादातर सामान स्टील का है? हाँ, वो हम पीतल का कम ही रखते हैं। क्यों? आलू कम बिकता है पीतल का।
महंगा भी है ना, वो पीतल का कम पसंद करता है, कोई पुराने आदमी पसंद करता है। पीतल के बर्तन थोड़े क्या है कि वजन में भारी बैठ, हाँ स्टील का एल्युमिनियम का हल्का पड़ता है। लोटा ये तो मशीन का बना हुआ है ना, थोड़ा सा मशीन से बनता है एक चंदन का। यहाँ वाला काम पहले, पहले हम खुद बनाते थे ऐसा पीतल का जोड़ता अंदर काम करते थे। सामान कहीं और से मंगा के बेच रहे हैं? हाँ बाहर से आता है, अहमदाबाद बम्बई दिल्ली इधर से जोधपुर यहाँ से। इस कला की कोई कीमत नहीं है, मतलब आप चाहते हो कि अलग से एक पूरी एक छोटा सा सिटी जैसा आपके लिए बने बसाया जाए, क्योंकि हमने अशोक गहलोत साहब जब यहाँ थे मुख्यमंत्री उस टाइम पे हमने इसका प्रयास भी किया था, हमें जमीन मांगने के लिए इनसे कहा गया था, तो राज्य सरकार ने हमें नगर निगम के अंदर फार्म भरने के लिए भी कहा था, हमने नगर निगम में फार्म भी भरे, नगर निगम ने एजुकेटिव की मीटिंग के अंदर हमारा प्रस्ताव भी रखा और उस प्रस्ताव में ये निर्णय हुआ था कि सतरा समाज के मजदूरों को कोई अन्य जगह पर बसाया जाए, लेकिन सरकार जाने के बाद आज तक सतरा समाज के मजदूरों को कहीं नहीं बसाया। हमारे आज के कार्यवे का आखिरी पड़ाव इनके घरों की भेंट के साथ हुआ। Gaya Andi, 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 G